हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, रियलाइजेशन का ही चौक टॉपिक अभी हम कर रहे हैं क्योंकि हमें पार्टनरशिप अब क्लोज करनी है, डिसोल्यूशन उसका लास्ट टॉपिक है। तो एक और क्वेश्चन जो जनरल एंट्री के ऊपर बेस्ड था और ये 6 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन था, तो आज हम इस 6 मार्क्स के क्वेश्चन को जनरल एंट्री बोली गई है हमें पास करने को, कि नेसेसरी जनरल एंट्री आप पास कीजिए। तो हम जनरल एंट्री पास करेंगे डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में। अगर ये 6 मार्क्स का आता है तो इसी तरीके से इसकी जनरल एंट्री आएंगी। देखिए क्या कहा कि बताया कि एल एक पार्टनर है, वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर व्हिच ही वाज गिवन एक रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000। तो मुझे एंट्री पास करनी है कि एल को हम अपॉइंट कर रहे हैं कि भाई तुम डिसोल्यूशन की पूरी प्रोसेस देखना और उसके बदले में हम आपको ₹10,000 देंगे, क्योंकि ये एल को पैसा मिल रहा है। तो जब भी किसी पार्टनर को कुछ मिलता है उसका अकाउंट हमें कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ता है। किस अकाउंट के थ्रू मिलेगा? एक ही अकाउंट है, क्योंकि अब कोई नया अकाउंट ओपन नहीं करना आपको। तो आप जो भी पे करोगे अब रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू पे करोगे। तो इस तरीके से ये हमारी एंट्री हो जाती है इसकी, रियलाइजेशन टू एल्स कैपिटल अकाउंट व्हेन एल इज अपॉइंटेड एज एंड एल इज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस। अब देखिए आगे आती है एंट्री के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अब ये तो उसको देने थे एल को, क्योंकि हमने डिसोल्यूशन की पूरी प्रोसेस के लिए किसको अपॉइंट किया था? एल को। क्या लिखा कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो पेड किसने कर दिए? पार्टनर एम ने। तो देखिए अब अगर एम पे करता है तो एम का जो है वो एक्चुअली बनता नहीं था पे करना, ठीक है। तो अब क्योंकि एम ने पे किए हैं तो फॉर्म का तो बनता है कि एम को पे किया जाए। तो हम एम के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये उसको पैसा दिया जाएगा। डिसोल्यूशन का पैसा एम को नहीं देना, एल को देना था। तो आप क्या करोगे, एम को कैपिटल अकाउंट, एम के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे और ये पैसा उससे लोगे जिसको उसको देना था, मतलब कि एल को। तो आप यहां क्या कर देंगे, अब एल कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि ये पैसा एल को ही पे करना था। तो ये हो गई इसकी एंट्री। नेक्स्ट है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 5। देखिए अगर ये मुझे लग रहा है कि यहां पर मैं एक चीज गलत होता जा रहा हूं तो मैं अभी सेकंड एंट्री मिटाता हूं और बताता हूं कि क्यों गलत हो रहा हूं, रीजन है उसका। मैं सारे क्वेश्चन को एक मान रहा हूं, पर जो सीबीएसई ने क्वेश्चन दिया है उसने कहा है कि क्वेश्चन ही अलग अलग है, केसीसी अलग अलग है। तो आपको एल एम और आगे पी आ रहा है, फिर एन आ रहा है, क्यू आ रहा है, इतने सारे पार्टनर नहीं होंगे, तो हम इनको अलग अलग केस मानते हैं, ठीक है। तो सब अलग अलग है, मतलब कि आप एक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन के रूप में देखो। तो अगर ये लिखा हो कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसिस वर पेड बाय एम, तो एंट्री बनती है हमारी कि वो पैसा हमें एम को देना है तो एम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री ठीक थी, बस क्या गलत था कि रियलाइजेशन लिखना था, एल नहीं लिखना था, क्योंकि ये दोनों एक साथ मिक्स नहीं किए जा सकते। इतने सारे पार्टनर नीचे देखकर ये बात कंक्लूड होती है। तो इस तरीके से जब एक पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करे तो एंट्री लगभग लगभग वही होगी जो पहले केस में हुई थी। रियलाइजेशन टू वहां पे एल हो रहा था, यहां पर एम हो जाएगा। थर्ड केस के अंदर उसने कहा कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस दिए सिर्फ, तो ऑब्वियसली ये पेमेंट किसने की होगी? फिर फर्म ने की होगी। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? बैंक अकाउंट, ठीक है। डेबिट एक ही चीज होगी रियलाइजेशन। तो ये आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के अलग अलग ट्रीटमेंट है। ये वो 5 केसेस हैं जो पहली बार जब ये क्वेश्चन आया था तो कुछ देर के लिए तो हम भी कंफ्यूज हो गए थे, 3 या 4 साल पहले की बात है। बस फिर जर्नल एंट्री के थ्रू हमने इसको समझा था, बेस जर्नल है तो जर्नल ही पास करनी थी, तो धीरे धीरे सॉल्यूशन निकलने लगी। तो ये एंट्री थी कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को आप अगर खुद पे करें फॉर्म तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक। अब 4th केस की तरफ चलते हैं, क्योंकि सब अलग अलग केस हैं और उसके बाद ये केसेस आपको पढ़ाए जाने लगे हैं। पी एक पार्टनर है, उसको अपॉइंट किया लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 7,000 जैसे एल को अपॉइंट किया था,
ठीक है। तो अगर ये एंट्री मैं मानू, इसमें इसमें दो एंट्री होंगी, इसलिए मैं इसकी फोर्थ की ए लिख रहा हूं और ए में यही एंट्री मैं पास कर रहा हूं कि रियलाइजेशन एक्सपेंस आप डेबिट करोगे रियलाइजेशन अकाउंट टू, जिसको देना है, किसको देना है, पी को, क्योंकि उसी को आपने अपॉइंट किया है ना कि सारी प्रोसेस को देखेगा। और कितने की पेमेंट है, 7000, तो 7000 की पेमेंट हमने पी को कर दी। आगे कहा गया इसमें कि पी को सारा डिसोल्यूशन का एक्सपेंस पे करना था, बट हुआ क्या, देखिए एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस थे 4000 और वो पे भी किसने किए, पी ने। तो जब पी को ही पे करने है और पी ही पे कर रहा है तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अल्टीमेटली बी पार्ट के लिए हमें नो एंट्री पास करनी है, तो इसलिए मैं इसको नो एंट्री को नहीं लिख रहा, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, तो इसलिए मैं इसके आगे से जो मैंने ए लिखा था वो ही हटा देता हूं। तो फोर्थ केस के अंदर सिर्फ एक ही एंट्री पास होगी। अब हम फिफ्थ केस की तरफ चलते हैं। फिफ्थ केस में भी यही बात है कि एन को एक पार्टनर है अपॉइंट किया, लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच ही अलाउड रुपीज, ही हैज अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 9000, तो उसके लिए इसी तरीके से आप एंट्री पास करोगे। यहां दो एंट्री होंगी तो इसलिए मैं फिफ्थ ए लिख रहा हूं, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यही एंट्री जो ऊपर लिखी है उसी तरीके से आप एंट्री पास करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करो और एन को क्रेडिट करो, क्योंकि ये पेमेंट एन को पे की करेगी फॉर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। तो ये 9000 की एंट्री हो गई। अब देखिए आगे क्या लिखा, आगे कहा गया कि एन को एग्री किया कि सारे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस मैं खुद पे करूंगा और एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस आए 4000 और वो किसने पे किए, फॉर्म ने, पे तो एन को करने थे, फॉर्म क्यों पे कर रही है, ठीक है। तो अब फॉर्म को ये किससे लेने होंगे, तो किससे लेने होंगे, एन से। तो आप क्या करोगे, देखो फॉर्म पे कर रही है तो वो अपनी बुक में बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगी, पैसा उसने दिया है, ठीक है, और लेगी किससे इस पैसे को, इस एन से, क्योंकि एन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये उसको पे करने थे, अब उसने पे नहीं करे और उसके लिए फॉर्म ने पे कर दिए, तो फॉर्म का बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि फॉर्म के अकाउंट से पैसा जा रहा है, और मैं लूंगा किससे, वो एन से। आप इन दो एंट्री को मर्ज कर एक एंट्री भी बना सकते हो, पर वो एडवाइजेबल नहीं है आपको, इसलिए आप दो एंट्री पास करें तो ज्यादा अच्छा है। अब आते हैं हम सिक्स्थ केस पर, सिक्स्थ टाइप के डिसोल्यूशन एक्सपेंस की सिक्स्थ टाइप क्या है। क्यू को अपॉइंट किया गया, एक पार्टनर है, लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, उसके लिए उसको 18000 की पेमेंट करनी है। तो पहली एंट्री वही हुई जो अब तक कर रहे थे हम, रियलाइजेशन एक्सपेंस आप डेबिट करोगे और रियलाइजेशन अकाउंट आप डेबिट करोगे टू किसको देना है, क्यू को। तो आप क्या कर दोगे, क्यूज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। क्यूज कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और 18000 का अमाउंट शो कर देंगे। अब आगे जो वो है, क्यू एग्री टू टेक ओवर स्टॉक वर्थ रुपीज 18000 फॉर हिज रेम्यूनरेशन। तो एंट्री क्या हो गई, क्योंकि क्या हो गया, क्यू ने एक हमारी क्या ले ली, स्टॉक ले लिया, ठीक है, द स्टॉक हैज ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये हमने पढ़ा है कि देखो ये हमारी लायबिलिटी थी जो हमें पे करनी थी। अब अगर लायबिलिटी वाला कोई भी किसी एसेट को लेके जाता है तो उसके लिए एंट्री पास नहीं होगी। तो ये जो एंट्री हमने सिक्स केस में की है ये नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए उसने क्या ले लिया, स्टॉक ले लिया। स्टॉक लेने की वजह से अब ये एंट्री जो है नल एंड वॉइड हो गई, तो ये एंट्री नहीं होनी अब। तो आप यहां पर इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, नो एंट्री। तो जब कोई पार्टनर एक प्रोसेस के लिए जो डिसोल्यूशन की है उसके लिए उसको अपॉइंट किया हो और रिम्यूनरेशन के अगेंस्ट वो कोई स्टॉक ले जाए तो वहां पर फिर नो एंट्री होगी, क्योंकि एक लायबिलिटी को हम एक एसेट दे रहे हैं और उस केस में हमने कभी भी एंट्री पास
नहीं की है, तो इसलिए सिक्स केस में क्या हो जाएगा, नो एंट्री हो जाएंगी। तो ये सिक्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस थे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड। और जिस साल ये क्वेश्चन आया था उस साल यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन हो गई थी कि किस टाइप का, मतलब कि बच्चों ने पूरा डिसोल्यूशन का टॉपिक पढ़ा और एक ही चीज के ऊपर, सिर्फ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के ऊपर सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। तो ये किसी भी और भी आइटम जो है डिसोल्यूशन के उस पर भी आ सकते हैं, तो आपको इसके लिए इसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के जितने टाइप्स हो सकते थे वो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको जरूर कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन अब अवेलेबल हैं क्योंकि उस साल ये फर्स्ट टाइम हुआ था तो उस साल अवेलेबल नहीं थे, अब आपकी हर बुक में ये है, तो इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, हो सकता है फिर